डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल अब हम परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच के जो डिफरेंस हैं उसको डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स जो हैं वो पहला है मीनिंग परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड परसेंटेज का मतलब होता है कि हंड्रेड में से और पर हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव परसेंट मीन्स थर्टी फाइव पर हंड्रेड परसेंटाइल परसेंटाइल डायरेक्ट टूवर्ड्स द पॉइंट ऑन ए मेजरिंग स्केल एट और बिलो विच इपेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द पॉइंट्स लाई इट शोज दैट हाउ ए स्कोर इज कम्पेयर टू अदर स्कोर फॉर ए प्रोवाइडेड डेटा सेट परसेंटाइल का मतलब होता है जो मेजरिंग स्केल पे पॉइंट है उससे जो कितने परसेंटेज जो स्कोर्स uh, हैं बिलो लाई करते हैं सेकेंड पीरामीटर इज सिंबल सिंबल जो है परसेंटेज का वो है परसेंट और परसेंटाइल uh, का है पी एथ डेसिमल एंड रेशो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू रिटर्न इन परसेंटेज कैन बी फर्दर कम्पोज इन द फॉर्म ऑफ रेशोजल्स जो परसेंटेज है सेम रेशोज और डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं वेर इज अ परसेंटाइल कैन नॉट बी कम्पोज इन द फॉर्म ऑफ रेश और डेसिमल्स नेक्स्ट पैरामीटर इज रैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इज नॉट बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द गिवन नंबर नॉट टू डू द रिलाई ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो परसेंटेज है इसकी के जो कैलकुलेशन है रैंक जो गिवन नंबर है उस पर आधारित नहीं होती है ना ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर होती है वेयर इन केस ऑफ परसेंटाइल इज इस्टेबलिश्ड ऑन द रैंक ऑफ द नंबर प्लस इट रिलाइज ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज बेस्ड ऑन परसेंट इज बेस्ड ऑन ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ ए केस वेर इज परसेंटाइल इज बेस्ड ऑन ए कम्पेरिजन ऑफ वन केस विद ऑल द ऑलिज इन सर्टेन परसेंटाइल में कम्पेरिजन होता है एक केस का विद ऑल द केसेज इन सर्टेन सरकमस्टेंसेज जबकि परसेंटेज जो है एक केस पर ही बेस्ड होती है इन पोजिशन वैल्यू जो परसेंटेज की है इट इज पोजिशन आउट ऑफ हंड्रेड एंड इन केस ऑफ परसेंटाइल वैल्यूज फाउंड बिलो द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज Regarding quartiles, percentage does not include quartiles, whereas percentile includes quartiles. And percentage compares the actual scores to the total scores. And the formula used to calculate percentage is obtained value upon total value into 100. Whereas in case of percentile, the single rank is compared with the total. And the formula used is number of people behind upon total number of people into 100. अब की डिफरेंस जो है हम बता देते हैं द की डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल इज दैट परसेंटेज इज अ मैथमेटिकल वैल्यू प्रेजेंटेड आउट ऑफ हंड्रेड ये मैथमेटिकल वैल्यू जो कि आउट ऑफ हंड्रेड निकाली जाती है एंड परसेंटाइल इज द परसेंट ऑफ वैल्यूज़ बिलो स्पेसिफिक वैल्यू जो स्पेसिफिक एक वैल्यू है किसी मेजरिंग स्पेल पर उसके बिलो कितनी वैल्यूज आती हैं वो होता है परसेंटाइल द परसेंटेज इज़ ए मीन्स ऑफ कंपेयरिंग क्वान्टिटीज परसेंटाइल इज यूज टू डिस्प्ले पोजिशन और रैंक एग्जाम्पल एट्टी परसेंट अगर एट्टी परसेंट हम कहते हैं तो इसका मतलब वो, 80 यानी सौ में से क्वेश्चन जो टोटल थे उसमें से अस्सी क्वेश्चन के सही जवाब दिए तो एट्टी का मीनिंग हुआ एट्टी परसेंट मीन्स एट्टी आउट ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन करेक्ट वेयर इज एट्टी शोज दैट यू परफॉर्म बेटर कैंडिडेट्स एट्टी एथ परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आपने जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट उसने अस्सी प्रतिशत जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस दी है आई थिंक ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा